हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये जो सोनी कंपनी का टीवी है, ये ओरिजिनल सोनी कंपनी का टीवी है और इसका अंदर थ्री टन पिक्चर ट्यूब है। तो बहुत दोस्त का कमेंट मैं देखा, तो दोस्तों वो जो मेन कमेंट होता है, सोनी का जो पिक्चर ट्यूब होता है उसका साथ जो अभी नॉर्मल पिक्चर ट्यूब मार्केट पर अधिक देखा जाता है, उसका डिफरेंस क्या होता है, इसके ऊपर आपको डिटेल्स बताऊँगा। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, ये सोनी कंपनी की जो टीवी है, इसका बैक कवर मैं ओपन किया और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसका बेसबोर्ड, देखिए कितना बड़ा बेसबोर्ड है। और ये बेसबोर्ड का सामने वाला भी एक बेसबोर्ड टाइप भी एक बोर्ड है, ठीक है। और इसका जो मेन पीसीबी के साथ देखिए छोटा छोटा एक पावर बोर्ड है अलग अलग, एक साउंड बोर्ड है अलग। और क्या दिखाऊंगा, इसका ESD देखिए, इसका मेनली ESD फॉल्ट है। बहुत दिन पहले ये टीवी को मैं रिपेयर किया था और ये ESD लीकेज है, ESD चेंज करूँगा, ठीक है। ESD चेंज करने का पहले आपको इस वीडियो का अंदर आपको कुछ डिटेल्स बताऊँगा कि इसका जो पिन फंक्शन पिक्चर ट्यूब का बहुत अलग होता है। तो इसका ये जो बेसबोर्ड है, इसका ऊपर इसका जो पीछे साइड होता है, ये साइड का जो अलग अलग पिन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 9 10 जो होता है 9 10, ये डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मल पिक्चर ट्यूब का साथ ये सोनी पिक्चर ट्यूब का पिन फंक्शन बहुत अलग होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, मैं बहुत वीडियो का अंदर मैं दिखाया बहुत क्लियर करके, ये अलग अलग पिक्चर ट्यूब का पिन फंक्शन बहुत अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो नॉर्मल पिक्चर ट्यूब देखा जाता है उसका ऊपर मैं ऑलरेडी 2-4 वीडियो बना के रखा है। जो बिग नेक वाला पिक्चर ट्यूब होता है, ओवल भी हो सकता है, अल्ट्रा स्लिम भी हो सकता है, इसका सभी पीछे साइड ये जो बेस होता है, ये बेस का पीछे साइड ड्राइंग मैं करके रखा है, ठीक है। इसका देखिए, एक नंबर पिन ओपन होता है, 2 नंबर पिन पी कैथोड होता है, 3-4 हीटर होता है और 5 नंबर पिन इसका रेड कैथोड पिन होता है, उसका 6 नंबर पिन G2 पिन होता है और 7 नंबर पिन G कैथोड पिन होता है, 8 नंबर पिन G1 और 9 नंबर पिन ओपन। इस तरह ये जो पिन आप कैप्चर करके भी रख सकते हो। और बिग मोनिटर का जो होता है ये सेम ही होता है, ठीक है। सिर्फ इसका बिग मोनिटर, मोनिटर मतलब क्या होता है कि मोनिटर जो होता है कंप्यूटर का जो आउटपुट डिवाइस होता है, जो मोनिटर, उसका अंदर जो पिक्चर ट्यूब मिलता है वो भी थोड़ा अलग होता है, बट पिन फंक्शन इस तरह सेम ही देखा जाता है। और नॉर्मल टीवी बनाने के लिए जो पिक्चर ट्यूब यूज़ होता है, वो पिक्चर ट्यूब का कनेक्शन तो दोस्तों इस तरह होता है। इसका पिन फंक्शन सेम ही है, जो डिफरेंस होता है देखिए, ये जो बिग ओवल और अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब होता है, इसका ये एक नंबर पिन के साथ बी कैथोड जो पिन होता है, ये दोनों पिन शॉर्टिंग देखा जाता है। तो इसीलिए कुछ कुछ टीवी के अंदर ये एक नंबर पिन को ओपन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये 9 नंबर पिन का साथ ये ओपन पिन होता है और G1 पिन का साथ ये शॉर्टिंग देखा जाता है। और मॉनिटर का जो ट्यूब होता है, मॉनिटर ट्यूब के अंदर ये 1 और 2 नंबर पिन का साथ शॉर्टिंग नहीं देखा जाता है, ठीक है। और 9 और 8 नंबर पिन का साथ शॉर्टिंग देखा जाता है, ठीक है। यही डिफरेंस है, बट इसका जो अलग अलग पिन फंक्शन, ये पिन फंक्शन सेम ही होता है। ये बिग ओवल और अल्ट्रा स्लिम जो पिक्चर ट्यूब होता है उसका साथ ये जो बिग मॉनिटर का होता है, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल नेक वाला जो ओवल और अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब भी हो सकता है, इसका पिन फंक्शन देखिए, जी कैथोड का, G2 का, आर कैथोड का, G1 का, ठीक है। ये सब मैं लिख के रखा है, ये सब पीछे साइड का। और आपको इस वीडियो में जो इसका डिफरेंस होता है ये आपको बताऊँगा। ये इतना बड़ा बेस है, चलिए बेस को मैं ओपन करके भी आपको एक बार दिखाता हूँ। मैं इस टाइम ओपन किया और थोड़ा सा और अच्छा करके आपको दिखाने के लिए मैं कुछ ड्राइंग करके रखा है, ठीक है। तो इसका फोकस पिन 2 होता है, जो 17 इंची मॉनिटर वाला होता है उसका अंदर जो बेस देखा जाता है, उसका अंदर इस तरह 2 फोकस पिन बेस देखा जाता है। तो ये बेस को 2 फोकस पिन का जगह 1 फोकस पिन बेस, इस तरह जो 1 फोकस पिन बेस देखा जाता है, ये आप कैसे कनेक्शन किया जाता है आपको बहुत वीडियो में दिखाया, ठीक है। सिर्फ ये जो 2 पिन होता है, ये 2 पिन को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसी तरह इसका अंदर जो 2 पिन है, आप कुछ भी चाइना PCB आप और इंस्टॉल करना चाहता हो तो ये 2 पिन को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कुछ तरीका है, ज्वाइन आप नहीं करोगे तो तब भी उसका अलग सा तरीका है।
तो चलिए इस वीडियो में आपको जो दिखाऊंगा कि देखिए ये जो पिन देखिए, आपको काउंट करके भी दिखाना चाहता हूँ। इसका अंदर देखिए ये दो फोकस पिन को मैं छोड़ देता हूँ और उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 9, जो 9 पिन का ये बेस देखा जाता है, ठीक है। और ये बेस को देखिए उल्टा करके जब आप देखेगा तो आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि देखिए कितना पिन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इधर साइड देखिए 10 नंबर, ये 10 देखा जाता है। तो ये क्यू तो दोस्तों ये कॉन्फ्यूज दूर करने के लिए ये बेस ओपन करने का बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका अंदर कितना पिन है, ठीक है। मेन ये जो छेद देखा जाता है, ये जो छेद देखा जाता है और उसी का हिसाब से ये साइड का एक पिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कॉन्फ्यूज दूर करने के लिए मैं एक ड्राइंग करके रखा है, ठीक है। तो चलिए आपको ये ड्राइंग लेके आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि दोस्तों देखिए मैं अभी ये ड्राइंग किया। तो दोस्तों ये इसका अंदर जो पिक्चर ट्यूब होता है सोनी ट्रीटॉन का, ये पिक्चर ट्यूब है, ठीक है, सोनी ट्रीटॉन का पिक्चर ट्यूब है। और ये जो बेस का पीछे साइड बेस का मैं ड्राइंग किया, ये मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 9 और 10 इतना करके मैं करके रखा है। और ये बेस का अंदर जो लिखा है ये मैं सेम टू सेम लिख के रखा है, ठीक है। ये ई पिन, जी टू पिन, जी वन, एच वन, एच टू, जी वन टू, के बी, ये सब लिख के रखा है इसका अंदर जिस तरह लिखा है, ठीक है। तो ये बेस बोर्ड मैं डिटेल्स पिक्चर आपको दिखाऊंगा, तब भी आप इस टाइम देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये जो मैं लिख के रखा है ड्राइंग करके आपको और क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों देखिए इसका अंदर ये जो ई वन पिन है ये 8 जो नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो ये जो मेनली ये पिन होता है, ये पिन, ये जो अलग अलग पिन देखा जाता है इसका साथ कनेक्शन नहीं है, इसका अलग सा कनेक्शन है अलग साइड से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्यूज आपको दूर कर दिया, तो ये बेस ओपन करने के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं तब भी अलग दो ड्राइंग करके रखा है, ये बेस का ड्राइंग है और ये जो छोटा सा ड्राइंग करके रखा है ये पिक्चर ट्यूब का, ये जो अलग अलग पिन देखा जाता है इसका ऊपर। तो ये मैं बाद में आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। फर्स्ट ये जो ड्राइंग है ये थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये ई जो अर्थ है अर्थ जो नेगेटिव के साथ कनेक्शन है और ये जी टू पिन है, ठीक है। और ये जी वन मतलब ग्राउंड वन, ठीक है। तो दोस्तों ये ग्राउंड वन जो ये नेगेटिव के साथ भी, ये नेगेटिव के साथ भी कनेक्शन होता है। ये जी वन और ये जी वन और जी टू जो देखा जाता है, एक्चुअली ये जी वन और जी टू पिन दोनों पिन एक साथ कनेक्शन देखा जाता है। और जी वन जी टू का साथ देखिए जी वन और थ्री, ये भी 1, 2, 3 1, 2 और 3, ठीक है। ये 3 G1, G2, G3 ये एक ही पिन के साथ कनेक्शन जो कॉन्टिन्यूटी देखा जाता है, ठीक है। और इसका देखिए कैथोड पिन ये सेम इसका पास ही देखा जाता है, ठीक है। देखिए ये बी कैथोड का पिन, ये जी कैथोड के आर कैथोड का, ठीक है। के बी, के जी, के आर मतलब कैथोड बी, कैथोड जी, कैथोड आर, ठीक है। और ये जो पिन देखिए H1 H2, ये हीटर का जो फिलामेंट होता है ये हीटर का पिन है। अब इधर से काउंट करेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह काउंट करेगा। तो चलिए इसलिए मैं ये जो लिख के रखा है देखिए G1, G1-2, G1-3, ठीक है, G1, G1-2 और G1-3 ये तीनों पिन ये अर्थ का साथ ये ग्राउंड का साथ कनेक्शन है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, आप अच्छा करके देखेगा। तो अब देखिए इसका जो कंटिन्यूटी जो कनेक्शन इसका अंदर एक साथ कनेक्शन है, तो लगता है अच्छा करके नहीं देखा जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और क्लियर करके। ये देखिए ये जो अर्थ होता है ये नेगेटिव है और उसका बाद ये देखिए 1-3 G1-3 इसका साथ एक साथ कनेक्शन है और उसका साथ G1-2
ये एक ही साथ कनेक्शन है, ये नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए पिक्चर ट्यूब का पिन फंक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए ये पिक्चर ट्यूब के अंदर कितना पिन देखा जाता है, 9 पिन देखा जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिन देखा जाता है। ये दो पिन को मैं फोकस पिन को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, इसी टाइम। तो इसका ऊपर मैं जो ड्राइंग किया आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मान लो नीचे साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 पिन का इसका पिक्चर ट्यूब पिन है। और ये दो फोकस पिन का ये मैं अभी छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों इसका 3 और 4 नंबर फिलामेंट होता है, ठीक है, 3 और 4 फिलामेंट इसका कॉन्टिन्यूटी मिलता है। और इसका बारे में और क्लियर करके इसका जो नीचे मैं लिख के रखा है, ये जो पिन फंक्शन देखिए मैं जो लिख के रखा है, देखिए 6 पिन बी कैथोड, 7 पिन जी कैथोड, 8 पिन आर कैथोड, ठीक है, और 9 पिन 5 नंबर पिन और 2 नंबर पिन इसका कॉन्टिन्यूटी मिलता है। अब मीटर से चेक करेगा तो ये तीनों पिन का साथ कॉन्टिन्यूटी मिलेगा। और 3 4 ये फिलामेंट पिन है और 1 पिन ये G2 पिन है, ठीक है। तो ये जो पिन देखिए इसका ऊपर में पूरा डिटेल्स लिख के रखा है। 6 7 8 जो होता है, 6 7 8 जो ये होता है, ये 6 7 8, ठीक है, 6 7 8 ये अलग अलग कैथोड पिन, ठीक है। और 9 5 और 2 नंबर जो पिन है, ठीक है, ये 9 5 और ये जो 2 नंबर पिन है, ये एक ही साथ कनेक्शन देखा जाता है, ठीक है। और इसका एक नंबर पिन देखिए, ये G2 का पिन है, ठीक है, ये G2 का पिन है। अब अच्छा करके देखिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आपको देखा है, ये सोनी ट्रीटन पिक्चर ट्यूब का। और चलिए उसका बाद आपको और पिक्चर ट्यूब का पिन फंक्शन देखाऊंगा। मैं बहुत दिन पहले ही नोट करके रखा है। तो ये पिक्चर ट्यूब मैं जो देखा, ये सालोरा टीवी का अंदर देखा, ठीक है, ये सालोरा टीवी का अंदर जो पिन फंक्शन एक पीछे साइड में लिख के रखा है, इसका देखिए इस तरह उसका पिन फंक्शन मैं पीछे साइड जो लिख के रखा है, उसका पिन नंबर ये साइड 3 देखा जाता है, 3 4 5 6 करके, और ये लास्ट 13 पिन का देखा जाता है। तो इसका ये साइड बी कैथोड का पिन, और ये ग्राउंड का, और ये 4 5 2 ग्राउंड का पिन है, ठीक है, और 6 7 जो होता है 6 7 ये हीटर का, और उसके बाद ये जो पिन ये आर कैथोड का, और ये G1 का, G2 का, और ये ग्राउंड का, ठीक है, और उसके बाद ये जी कैथोड का, और ये भी ग्राउंड का। तो ये सालोरा पिक्चर ट्यूब का अंदर मैं देखा, ठीक है। और दोस्तों कुछ क्लैरियन टीवी मार्केट पर देखा जाता है जो पुराना मॉडल का, उसका भी पिन फंक्शन थोड़ा अलग होता है। तो दोस्तों ये वीडियो का अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपका साथ शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।